संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों के साथ यहाँ बैठे सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हर गांव, हर ब्लॉक, हर जनपद में जा रहे हैं। या जो मंच पर बैठे हुए हमारे नेता है, वो नेता वो संकल्प प्रतिज्ञा लेकर जो निकले हैं पिछले 15-20 दिनों से, वो प्रतिज्ञा, वो संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश के भीतर जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गांवों को और किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम किया है। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी एक नए संकल्प के साथ निकली है कि सिर्फ एक परिवार का नहीं, एक गांव का नहीं, एक जनपद का नहीं, परंतु पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की समृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी जो जंग लड़नी पड़ेगी, वो जंग आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लड़ेगी। चुनावों का जब परिणाम आए और उस परिणाम में सबसे बड़ी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी उभर कर निकले और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के साथ एक नया संकल्प यहाँ से शुरू हो, यही अपेक्षा, यही विनती करने के लिए मैं गुजरात से आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारी बात हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने की होगी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करके यहाँ से अपनी बात को विराम देता हूँ कि आइए सब साथ मिलकर पूज्य महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, जय जवान जय किसान का जिसने नारा दिया, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा जी का और राजीव जी का सपनों का जो भारत था, उस भारत को बनाने के लिए, उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सब साथ मिलकर लड़े, यही बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। कि पिछले कई दिनों से महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया जाता है, हाथरस में एक महिला पर बलात्कार की घटना होती है, लेकिन लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर एक भी बात नहीं करते। हम तो कई बार उत्तर प्रदेश में आए हैं, कई बार उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बात तो देखा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो आप लोगों को सिर्फ दुखी और परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं तो कैसे पता चलेगा कि परिवार की चिंताएं क्या होती है। इस सभा में प्रतिज्ञा यात्रा के स्वागत में इस मंच पर इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर के जिन्हें आदरणीय प्रियंका जी ने जिम्मेदारी दी, इस यात्रा को लीड करने की आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय राजेश मिश्रा जी, भाई दीपक सिंह जी, अजय राय जी, विभाकर शास्त्री जी, भगवती चौधरी जी, पीएल चौहान जी, देवव्रत मिश्र जी, तनुज पुनिया जी और हमारे सभी जिन्होंने रायबरेली और गांधी परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया और जिनको हम सब बहुत श्रद्धा उनमें रखते हैं, आदरणीय के शर्मा जी। ये घोषणा इसलिए की गई है, इसका भी छोटा सा उदाहरण किस्सा है, मैं चाहती हूँ आपको बता दूं। प्रियंका जी, एक दलित परिवार के बेटे को आपने अखबार में पढ़ा होगा, उसको पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर उसकी जान चली गई, उससे मिलने आगरा जा रही, रास्ते में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें फिर से रोका। उसी दौरान एक बच्ची स्कूटी से जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर प्रियंका जी गाड़ी से उतरी, उन्होंने उसकी मिली नहीं, उसकी मरहम पट्टी भी करी। उस बेटी से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? उस बेटी ने कहा, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती हूं, पर मेरे पास, मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं, इतना साधन नहीं,
उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो स्कूटी है, उसने कहा कि आज क्लास थी, अपनी दोस्त से मांग करके लाई। उसी दिन प्रियंका जी ने यह वादा किया कि जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं